सर्वेक्षण 2019 के तहत फिर एक बार 23 फरवरी 2020 को उज्जैन के टावर चौराहे पर साइकिल रैली का सफल आयोजन हुआ, जिसमें उज्जैन शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने शहर को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ईज ऑफ लिविंग सर्वेक्षण 2019 के तहत साइकिल रैली का सफल आयोजन होता आ रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन फिर एक बार 23 फरवरी 2020 को उज्जैन के टावर चौराहे पर हुआ, जिसमें जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साइकिल रैली में उज्जैन के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर्वेक्षण के बारे में बताते हुए सकारात्मक फीडबैक देने का अनुरोध भी किया गया। रैली में उज्जैन स्मार्ट सिटी के कर्मचारी, आम नागरिक एवं छात्र शामिल हुए। ईज ऑफ लिविंग सर्वेक्षण 2019 के माध्यम से केंद्र सरकार देश भर के शहरों का आकलन कर रही है कि कौन सा शहर आम लोगों के रहने के लिए सबसे बेहतर है। इस सर्वेक्षण में सभी नागरिकों को 24 प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने होंगे। यह प्रश्न उपरोक्त पैमाने जैसे ही सस्ती बिजली, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, सफाई आदि संबंधित जानकारी से उत्प्रोत होंगे, जिनका उज्जैन वासियों को सकारात्मक जवाब देना होगा। इस आधार पर तय होगा कि शहर आम लोगों के लिए रहने योग्य है या नहीं। इस अनुसार स्मार्ट सिटी की योजनाएं बनाई जाएंगी। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।